स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं कुछ मूवीज और सीरीज के अपडेट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग हाल ही में वर्जिन लीवर की सीजन 4 को कम्प्लीट कर चुके हैं और बेसब्री से इसकी सीजन 5 के लिए वेट कर रहे हैं। तो उन सभी को बता दूं कि इसकी सीजन 5 की जो रिन्यू है वो काफ़ी समय पहले ही हो गई थी, विच मीन्स आपको इसकी सीजन 5 है वो देखने को मिलेगी। और आप सभी को बता दो कि इसकी सीजन 5 है वो इस सीरीज के फाइनल सीजन होने जा रही है, जिसकी फिल्मिंग है वो इसी महीने से स्टार्ट हो गई है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो इसकी जो फिल्मिंग है वो नवंबर के महीने में कंप्लीट हो जाएगी, विच मीन्स आपको इसकी सीजन 5 के लिए नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मई तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि 4 से 5 महीने इसकी पोस्ट प्रोडक्शन के वर्क में तो लगेगा ही। तो हमारा अगला अपडेट है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 से। जी हाँ गाइस, इस सीरीज की सीजन 4 की जो 28 डेज की व्यूअरशिप निकल के आई है उसके मुताबिक इसकी सीजन 4 को नेटफ्लिक्स पर 28 डेज के अंदर 1.4 बिलियन आवर वॉच टाइम की व्यूअरशिप मिली है, जिसमें इंक्लूड है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की 24 डेज की वॉच टाइम। जो भी हो गाइस, इसकी सीजन 4 बन चुकी है नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज आफ्टर स्क्विड गेम। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट है मार्वल की फेज 6 की अपकमिंग मूवी द कांग डायनेस्टी से। जी हाँ गाइस, रिसेंटली हॉलीवुड रिपोर्टर ने यह कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी को डायरेक्ट करने जा रहे हैं जस्टिन डेनियल क्रेटन, जो इससे पहले सेंसी जैसी मूवीज को बना चुके हैं और रिसेंटली डिज्नी प्लस की जो लाइव एक्शन सीरीज है वंडर मैन इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी ज़्यादा अपडेट निकल के नहीं आ पा रही है इस मूवी के बारे में, लेकिन इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो सेट की गई है 2 मई 2025। तो अगर इन फ्यूचर इस मूवी के बारे में और भी अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट है एनिमे लवर के लिए। जी हाँ गाइस, उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि 2012 में रिलीज हुई सुपरहिट एनिमेटेड सीरीज द लेजेंड ऑफ कोरा, जिसकी टोटल 4 सीजन्स आ चुकी है, जिसे क्रिटिक्स और व्यूवर्स की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। और इसकी जो हिंदी डब की एक्सक्लूसिव अपडेट है वो मेरे पास आ चुकी है और आपको ये सीरीज है बहुत ही जल्द ईटीवी पर देखने को मिलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईटीवी कार्टून चैनल के बारे में। तो दिल थाम के बैठिए, आपको ये सीरीज है वो बहुत ही जल्द हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और फिलहाल इसकी ट्रेलर वगैरह वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो उसे देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इस एनिमे के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।